हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक है। मैं हूँ रिमी। इस वीडियो में आप देखेंगे एक बहुत ही कलरफुल और ब्यूटीफुल कश्मीरी हैंड पेंटेड डिज़ाइन। हम सबको पता है कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी कितनी खूबसूरत और कितनी कलरफुल होती है। मैंने पहली बार इसको एक कोई प्लेन सूट के ऊपर ट्राई किया है। आप भी अपनी कोई भी प्लेन कुर्ती या सूट के ऊपर इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। सो लेट्स स्टार्ट। कलर के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने फेविक्रिल की एक्रेलिक कलर और ये है फेविक्रिल की फैब्रिक कलर। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ फैब्रिक कलर यूज़ करूँगी। कपड़ों के ऊपर फैब्रिक कलर ज़्यादा अच्छे होते हैं। पहले नेक के साइड पे हमें ऐसे वी शेप की तरह डिज़ाइन को कर लेना है। मैं यह राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ। इसकी स्टिचिंग अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है, इसलिए मैं थोड़ी सी जगह छोड़ के इसको कर रही हूँ। अगर आपकी कुर्ती को स्टिचिंग सब कुछ कंप्लीट हो गई है तो आप ऐसे ऊपर की जगह छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एकदम ऊपर से कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, एक को छोड़ के एक के ऊपर हमें सेम वी शेप की तरह हमें कर लेना है। सेम आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं आपके पसंद के। एक्रेलिक कलर मार्केट में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी, बट फैब्रिक कलर मार्केट में बहुत ईजीली नहीं मिल जाती है। मैं यहाँ ऑनलाइन ली थी, ये कलर ऑनलाइन परचेस की थी। अब यह पिंक कलर से हमें कर लेना है। देखिए, अब ऐसे ब्रश को प्रेस कीजिए, आपकी ये छोटी सी डिज़ाइन बन जाएगी ऐसे। अब डार्क कलर के ऊपर कलर करते हैं तो लाइट कलर से करें, और लाइट कलर के ऊपर आप पेंट करना चाहते हैं तो डार्क कलर से करें। मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब उल्टा करें। अब यहाँ मैं वाइट कलर से कर रही हूँ, क्योंकि इस डिज़ाइन को बहुत कलरफुल करना है, और क्योंकि मैं यह डार्क कलर के ऊपर कर रही हूँ तो और भी ध्यान देना पड़ रहा है कौन से कलर इसके ऊपर सही जाती है। अब देखिए, सेंटर पे मैंने एक मार्क कर लिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने रेड कलर की पेंसिल यूज़ किया है आपको दिखाने के लिए। एकदम सेंटर पे कर लीजिए, उसके बाद राइट साइड पे जैसे डिज़ाइन होगी लेफ्ट साइड पे भी सेम होगा। ये फ्लावर दूसरे उस साइड पे भी सेम होगा राइट साइड पे। मैं यहाँ ऑरेंज कलर यूज़ कर रही हूँ, एक फ्लावर की चार पत्ती है। अब देखिए, सेम होगा ये फ्लावर। अब यहाँ भी हमें ऑरेंज कलर से कर लेना है, आप दूसरे कलर भी अब यूज़ कर सकते हैं। ये फ्लावर थोड़ी सी डिफरेंट है, फिर भी मैं यह फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ एक नंबर के। बहुत आसानी से ये फ्लावर बन जाती है, आप देखिए। देखिए, अब सेम इस साइड पर भी होगा, मतलब दोनों साइड पर आपको सेम करना है। और यहाँ जो गैप है, यहाँ स्काई ब्लू कलर से मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये डार्क कलर के ऊपर ये स्काई ब्लू कलर बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए। अब ब्लू कलर के साथ अगर आपके पास थोड़ी डार्क कलर है ब्लू कलर की, तो आप उसके साथ व्हाइट मिक्स करके भी ये लाइट कलर बना सकते हैं। ये सारे डिज़ाइन आप राउंड ब्रश से भी कर सकते हैं, पहले आउटलाइन करके, बट उसमें टाइम ज़्यादा लगती है। फ्लैट ब्रश में क्या होती है, एक बार में काम कंप्लीट हो जाती है, फ्लावर के अंदर भी कलर एकदम फील हो जाती है, तो इसलिए मैं राउंड फ्लैट ब्रश ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये फ्लावर बड़ी बड़ी फ्लावर होगी, और ये फ्लावर ही इसकी खूबसूरती है। इसको बहुत प्यार से बनाइए, हल्के हाथ से कीजिए, बहुत जल्दी हो जाएगी। अब ऐसे यहाँ छोटी छोटी फ्लावर भी यहाँ आप बना सकते हैं, जहाँ आपको थोड़ी गैप ज़्यादा लगे डिज़ाइन को और भी हैवी लुक देने के लिए। मैं यह लेमन येलो कलर यूज़ कर रही हूँ। फैब्रिक कलर में क्या होती है, अगर आप कपड़ों के ऊपर यूज़ करते हैं, फैब्रिक कलर ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है, कलर की कलर फेड होने की चांसेस बहुत कम होती है। फिर भी मैं आपको बोलूँगी, फैब्रिक पेंटेड ड्रेस को बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी जल्दी वॉश मत कीजिए इसको, क्योंकि आफ्टर ऑल ये कलर ही है, एक ना एक दिन तो छूटी जाएगी। तो इसको लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए आप इसके साथ थोड़ी सी फेविकल मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कलर बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है। फिर भी इसको डेली वेयर में इसको यूज़ मत कीजिए। अब ऐसे छोटी छोटी चीज़ अगर ध्यान पे रखेंगे तो ये डिज़ाइन बहुत दिन लॉन्ग लास्टिंग होती है, आपकी पेंट कुछ ख़राब नहीं होगी। सेम देखिए, ये यहाँ मैं भूल गई बोला, यहाँ मैं रेड कलर से कर रही हूँ ये फ्लावर को।
सेम मैंने फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ। आप पीछे देख सकते हैं मेरा बेटा उठ गया, वो खेल रहा है। अब यह ब्रांचेस के लिए मैं यह सैप ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ। अब ये बोतल से बहुत खेलेगा ऋषभ, तो मुझे पेंट करना आज पॉसिबल नहीं होगा, फिर से मुझे स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि वो कलर के बोतल से बहुत खेलता है और उसको बाद में फेंकते भी है बहुत। अब यह देखिए ब्रांचेस के लिए मैं यह सैप ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ, मुझे ये कलर बहुत पसंद है। अब ग्रीन कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब अब पहले अच्छे से आउटलाइन करके फ्लावर के सब, इसके बाद अब यूज़ कर सकते हैं। पहले पेंसिल से आउटलाइन कीजिए, उसके बाद भी कर सकते हैं, बट मैंने यह कोई आउटलाइन नहीं किया है। और भी आपको डिटेल्स में जानना है कि कलर को कैसे टेक केयर करें, तो आप डिस्क्रिप्शन पे एक वीडियो है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। कौन सी फैब्रिक के ऊपर कौन से कलर करना चाहिए, शिफॉन के ऊपर कौन सी अच्छी होगी, ये सारे डिटेल्स आपको उस वीडियो पे मिल जाएगी, आप चाहे तो उसको एक बार देख सकते हैं। अब यह देखिए लीव्स के लिए मैं सेम कलर यूज़ कर रही हूँ, सैप ग्रीन कलर। आप एक दो लीव ज़्यादा भी कर सकते हैं, और ये छोटी छोटी फ्लावर जो आप देखी थी, ये आप भी और ज़्यादा भी बना सकते हैं, और भी गॉर्जियस लुक देने के लिए और हेवी लुक देने के लिए। मैंने ये सेंटर पे ये लाइन इसलिए बनाई थी ताकि मुझे ताकि मैं इसके ऊपर कोई बटन्स भी लगा सकूं। ऊपर की जो नेक की जो डिज़ाइन है, इसको आप ये सेंटर पे भी कर सकते हैं थोड़ी सी, अगर आपको और भी थोड़ी हैवी लुक चाहिए तो, बट मैं ये ऐसा नहीं करूँगी। बाद में अगर मुझे अच्छा लगे और मुझे टाइम हुआ तो मैं बटन लगाऊंगी। ऐसे लिप्स को सेम ऑलमोस्ट इक्वल होगा। ये मैं नेक्स्ट दिन बना रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ी हेवी है तो एक दिन में मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। एक दिन में आपको हो जाएगी, मेरा बेटा छोटा है इसलिए मैं एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ। कोई कोई डिज़ाइन तो हो जाती है, ज़्यादा डिज़ाइन हो जाती है, बट इसमें थोड़ी हेवी लुक है इसलिए। बट ऑनेस्टली ये बहुत खूबसूरत है आफ्टर पेंटिंग। अब यहाँ मैं फिर से लेमन येलो कलर यूज़ कर रही हूँ इस डिज़ाइन को और भी कलरफुल दिखाने के लिए और ब्राइट देने के लिए। लेमन येलो कलर अब ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे डार्क कलर के ऊपर तो एक बहुत ब्राइट एक लुक देती है, तो इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। अब इसको ब्लैक के ऊपर भी आप यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक के ऊपर भी ये डिज़ाइन बहुत बहुत खूबसूरत होगी। मेरे पास ब्लैक नहीं था, ये ऑलमोस्ट ब्लैक ही है। और যদি বাঙালি হও, আমিও বাঙালি, আমাকে বাংলাতেই তোমাদের সমস্ত কি কি জানতে চাও আমাদের আমাকে বলতে পারো, আমি বাংলাতেই তোমাদের সব প্রশ্নের উত্তর দেব। আর মেরি এই ব্লগ কি চ্যানেল হ্যায় একদম নই হ্যায় একদম নই কাফি দিন পুরানি হো গই হ্যায়, আপ চাহে তো উসকো দেখ সকতে হ্যায়, মেয়ে ডিসক্রিপশন পে লিঙ্ক দে দুঙ্গি। अब एक फ्लावर के सारे पत्ती को हमें क्या करना है, एक साइड पे लेमन येलो कलर से कर लेना है, बस इस हल्के से एक शेड की तरह हमें दे देना है, ताकि ये सारे लीव्स को एक अच्छी सी एक हाईलाइट हो जाए। इसलिए इसको ज़रूर ट्राई करें, बस पहले आपको ग्रीन कलर अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद ही करें, नहीं तो पहले अगर आप यूज़ करेंगे तो क्या होगा, कलर एकदम मिक्स हो जाएगी, एकदम कलर स्प्रेड हो जाएगी। तो ये ब्रांचेस के साइड पे भी इस कलर को थोड़ी सी दे देना है, बस थोड़ी सी, ऐसा नहीं कि ग्रीन के ऊपर ही आपको करना है, बस थोड़ा सा ग्रीन भी दिख जाए और थोड़ी सी लेमन येलो भी, देखिए इस तरह तरीके से। सारे लीव्स को, एक भी लीव्स छूट ना जाए आपको ध्यान रखना है। और आप किस टाइप के डिज़ाइन देखना पसंद करते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कलर करने के टाइम ध्यान रहे कलर हाथ पे ना लग जाए, हाथ से कलर बहुत ऐसे होती है कि कपड़ों के ऊपर और दूसरी जगह पर लग जाती है तो बहुत ख़राब हो जाती है, मेरे साथ भी बहुत ऐसे बहुत बार हुआ है, तो इसका बहुत ध्यान रखें। और ज़रूर इस डिज़ाइन को अपनी कोई भी प्लेन कुर्ती के ऊपर ट्राई करें,
और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपको किस टाइप के डिज़ाइन देखना आप पसंद करते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। ये डिज़ाइन के लिए भी मेरी एक फ्रेंड ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, मैं कोई कश्मीरी डिज़ाइन को मैं दिखाऊँ। ये एम्ब्रॉयडरी तो नहीं है, फिर भी उसकी टाइप की एक लुक है, ज़रूर इसको ट्राई करें। और अगर आपको इस वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको इस टाइप की वीडियोज़ देखना पसंद है तो। ये है आफ्टर कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वेरी वेरी गुड डे। टेक केयर। सी यू सून। बाय।